वेलकम टू फर्स्ट ए क्लास ऑफ विजडम साइंस कॉलेज आम सब्जेक्ट तुम मैंने तो समस्त जाथ आमर सब्जेक्ट हूँ आई टी इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी। तो पिलामाने आमे सेकेंड इयर आमर जो सिलेबस अच्छी से सिलेबस बाबद आगे टे अवगत हवा तापर आम आमर सब्जेक्ट को जीवा कौन सब्जेक्ट पढ़ा कौन ना चिंता करवा। तो फास्ट आम जो आई टी आम मन रख टोटाल यूनिट संख्या हूँ टोटल यूनिट संख्या हूँ चारिटी यूनिट आम पाखे टोटाल चारिटी यूनिट अच्छी चारिटा यूनिट केते मार्क कवर कर ना थियोरी मार्क कवर कर थियोरी मार्क कवर कर 70 प्लस 70 प्रैक्टिकल मार्क कवर कर 30 टोटल दुईटा मिसिक 100 मार्क हो जा 100 मार्क हो जा जो थियोरी मार्क यूनिट चारिटा यूनिट अच्छी चारिटा यूनिट रे टोटल 70 मार्क प्लस 30 मार्क प्रैक्टिकल तेरे चारिटा यूनिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करवा चारिटा यूनिट आम पाखे अच्छी चारिटा यूनिट को डिस्ट्रीब्यूट करवा आम जब फर्स्ट यूनिट वन कथा चिंता करवा यूनिट वन टा कौन करुच्छे ना यूनिट वन टा कवर कर 30 मार्क्स मन रख यूनिट वन हूँ कवर कर 30 मार्क्स जो थे तीन टा चैप्टर अच्छी 10 प्लस 10 प्लस 10 अर्थात तीन टा चैप्टर 10 10 10 करके टोटल 30 मार्क आम ये पाइबा यूनिट वन रे एंड दिस यूनिट इज वेरी इंपोर्टेंट एंड इट इज वेरी मार्क फेचिंग यूनिट ये आम कौन करवा ये बहुत गुडिये जिन विषय पढ़ा बहुत गुडिये पाठ विषय पढ़ा जो गुड़िक आम डे टू डे लाइफ आज के डेट में यूज करूँ जमीका ये बर्तमान आम गोटे वीडियो क्लास गोटे करुचु गोटे ई क्लास करुचु जेटा को तुम्हें कौन कर यूट्यूब मध्यम देख तेनाली पाठ गुड़िक पढ़ा आम यूट्यूब विषय पढ़ा गूगल विषय में पढ़ा इंटरनेट विषय में पढ़ा डिटेल्स ता विषय आम यूनिट्रे पढ़ा सेकेंड जोटा अच्छे यूनिट सेकेंड यूनिटा कौन अच्छी ना सेकेंड यूनिट अच्छी आमर जाभा प्रोग्रामिंग अच्छी जाभा प्रोग्रामिंग अच्छी ता सहित आम पाखे कौन अच्छी HTML प्रोग्रामिंग अच्छी दुईटा प्रोग्रामिंग अच्छी गोटे जाभा गोटे HTML परवर्त पर्यायर आम सेगुडी पढ़ा थर्ड चैप्टर जोटा अच्छे यूनिट 3 जोटा हाँ यहाँ केत मार्क कवर कर यूनिट 2 कवर कर 16 मार्क यूनिट 1 30 मार्क्स यूनिट 2 16 मार्क आउ यूनिट 3 जोटा अच्छी यूनिट 3 जोटा अच्छे से RDBMS RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो थे दुईटा चैप्टर अच्छे दुईटा चैप्टर मिसिकी एट आस 14 मार्क्स 14 मार्क तेज़े 30 16 14 लास्ट यूनिट जोटा अच्छी व्हिच इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट व्हिच इज यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ वी आर यूजिंग इट इन आवर डे टू डे लाइफ देन लास्ट यूनिट कवर कर कैसे मार्क लास्ट यूनिट कवर करम पाखे मात्र 10 मार्क एथेर कौन अच्छी ना ये अच्छी आमर इंटरनेट आमर ई कमर्स बाबद आम डिटेल्स ये पढ़ा ई कमर्स बाबद डिटेल्स पढ़ा तेनाली आमर आई टी टोटाल चारिटा यूनिट अच्छी प्रत्येक यूनिट्रे यूनिट 1 2 3 4 से अनुसार तुमको मुझ सब्जेक्ट मार्क बर्तमान तुमको मुझे डिस्ट्रब्यूट करदेली आउ तुम पाखे मुझे तुमको ह्वाट्सअप्रे मुझे यूनिट गुड़िकी जो यूनिट 1 टोटाल नोट्स तुम पाखे अच्छे टोटल नोट्स आम यूनिट 1 में जो तीन टा चैप्टर कवर कर यूनिट 1 जो तीन टा चैप्टर कवर कर फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्क सेकेंड चैप्टर हूँ इंटरनेट आउ थर्ड चैप्टर हूँ कौन ना इंटरनेट सिक्योरिटी विषय में पढ़ा हाउ टू सिक्योर आवर डाटा इन कंप्यूटर नेटवर्क और इन इंटरनेट इंटरनेट्रे आम डाटा केमती सिक्योर होम डाटा को कई जन केमी हैक कर पार्वनी कि डिफरेन्ट इंटरनेट थ्रेड्स डिफरेन्ट भाइरस ये डिटेल्स बाबद आम पढ़ा तेना पिला माने दिस इज द सिलेबस अकॉर्डिंग टू व्हिच आमको ये वर्ष जाक आम ये बाबद डिटेल्स पढ़ा तो जहाँ भी आम बर्तमान आम आरंभ करवा यूनिट 1 आरंभ करवा दैट इज यूनिट 1 यूनिट चैप्टर 1 आम स्टार्ट करवा आ चैप्टर 1 नोट्स रो चैप्टर 1 ना है कौन ना आम ना है कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क कौन से बाबद आम फास्ट पढ़ा कि पूर्व आम आउ गोटे छोटिया जिनस तुमको कह जिनटा कौन ना जे जिनसा तुम समस्ते आम समस्ते अंगांग मैंने KG1 रु आरंभ कर PG क्लास पर्यटन कितने पर्यटन पाठपढ़ा हो सब थी से जिनसा दरकार होता कौन ना दैट इज कॉल्ड इंटरनेट प्रथम कथा हूँ आम मुझे तुमको जो पचारि ह्वाट डू मीन बाय इंटरनेट कौन
ତମମାନେ ଆନ୍ସର ଦବ ସାର୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଫେସବୁକ୍ ଚାଲୁଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚାଲୁଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଚାଲୁଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆମେ ଡାଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ନା, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏରିଆଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ଦିଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଭେରିୟସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫର୍ମ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ନୁହେଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ୱାର୍ଡ, ଟୁ ସେପରେଟ୍ ୱାର୍ଡ। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆସିଲା ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟର, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନେଟ୍ ଷ୍ଟେଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ନେଟୱାର୍କ, ନେଟ୍ ଷ୍ଟେଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ନେଟୱାର୍କ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟର, ଗୋଟେ ହେଲା ନେଟୱାର୍କ। ତେଣୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟର ନେଟୱାର୍କକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେ ହାଭ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନେଟୱାର୍କ, ଆଣ୍ଡ ନେଟୱାର୍କ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ନେଟୱାର୍କ, ହ୍ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ, ହ୍ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସୋସିଆଲ୍ ନେଟୱାର୍କ, ହ୍ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏନି ଅଦର ନେଟୱାର୍କ, ଅର୍ ହ୍ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ। ନା ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଅରିଜିନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଅରିଜିନ୍ରେ ହିଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ପେଜର୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଅରିଜିନ୍କୁ ଯିବା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଅରିଜିନ୍କୁ ଯିବା, ସେ ଅରିଜିନ୍ରେ ଆମେ ପାଇବା ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଇଣ୍ଟରନେଟୱାର୍କକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଆମର ଆମର ସିଲାବସ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଲେଖ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡେଫିନେସନ୍କୁ ଯିବା, ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ଦି କନେକ୍ସନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦି କନେକ୍ସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା ଏକରୁ ଅଧିକା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯଦି ଆମେ କନେକ୍ଟ କରାଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ତାର ଡାଇଗ୍ରାମଟା କେମିତି ହେବ, କାହିଁକି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ତ ଆମ ଘରେ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ଆମେ କାହିଁକି ସେସବୁକୁ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯିବା, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମର ତ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ଆମେ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରିବା, କାହିଁକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି କରିବା। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଇଟା, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆଣ୍ଡ ଆନଦର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ ହିୟର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଏଇ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କନେକ୍ଟ କରିନୁ, ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟାକୁ ଆମେ ପିସି ବୋଲି କହିପାରିବା, କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଲୋନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଗକୁ କୁହାଯାଏ ପିସି କିମ୍ବା ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କିମ୍ବା ତାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଲୋନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୋଲି କହିପାରିବା। ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ବୋଥ୍ ଦିଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆର୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁଗେଦର, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କନେକ୍ଟ କରି ଦିଆଯିବ ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଏ କେବୁଲ୍, ୱିଥ୍ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ଇଜ୍ ଫର୍ମଡ୍, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ତିଆରି ହେଇଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ତିଆରି ହେଲା, ଦିସ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ। ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ମନେ ରଖିବ ଆକୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ ଦି କନେକ୍ସନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ। ତ ମାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନିଡ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଲାଗିଛି, ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଲାଗିଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କନେକ୍ଟ କରିନୁ, ଡିସ୍କନେକ୍ଟ କରିଦେଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଲାଗିଛି, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରି କିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କରିପାରିବି, ବିକଜ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର କଣ୍ଟେନ୍ସ ଦିସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ୍ଟେନ୍ସ ଏ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଏଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଲାଗିଛି ତା ଦେହରେ, ତେଣୁ ସେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବି। ବଟ୍ ଇଫ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସମ୍ ଡାଟା ଇନ୍ ଦିସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ମୁଁ କିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ଟୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦ ଥିଙ୍ଗ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦ ମେଟେରିଆଲ ଇନ୍ ୟୁଜିଂ ଦାଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି, ବିକଜ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦାଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସେଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସେମିତିକା କୌଣସି ପ୍ରିଣ୍ଟର ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର କ'ଣ ଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆମେ କିଣିଦେବା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ, ଆମକୁ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ।
बट मु चाहूँगी से गोटे प्रिंटर रहिबो दुईटा कंप्यूटर रहिबे आ दुईटा जाक कंप्यूटर रे आमे कोन करिबा से प्रिंटिंग काम से गोटे प्रिंटर रे करि परिबा ताले कोन करिया को पड़िबो ना हमगु प्रथमे दुईटा कंप्यूटर को गोटे केबल साजर गोटे चैनल साजर रे हमगु कनेक्ट करिया को पड़िबो जेतर दुईटा कंप्यूटर को मु कनेक्ट कर देबी व्हेन बोथ दिस कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर देन ए नेटवर्क देन ए डायग्राम इज फॉर्मड एंड दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज कंप्यूटर नेटवर्क एटा को हमें कंप्यूटर नेटवर्क बोली कहिबा मन रहा क्वेश्चन है ह्वाट इज द नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क ना मन रखिबो द बेसिक नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज टू शेयर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस बिटवीन कंप्यूटर्स अवेलेबल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क गोटे कंप्यूटर नेटवर्क रे जेतिक कंप्यूटर थे दुटा थी पारे मुझे कही मोर देन वन इट डजंट मीन दैट ओनली टू सेटा केवल मानते डिमा तुम भावनी जो मोर देन वन मैंने सार तो दुईटा कंप्यूटर को कनेक्ट करते तुम कह नहीं सार केवल दुईटा ना दुईटा नुह मुझे कनेक्शन बिटवीन मोर देन वन इट मे बी वन क्रोर इट मे बी वन लाख इट मे बी 60 इट मे बी 600 एनी नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए कंप्यूटर नेटवर्क तो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क द नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज टू शेयर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस बिटवीन देम अर्थ मो पाखे देख ये लिखुची मुझे कौन कर गोटे कंप्यूटर आउ गोटे दुटा कंप्यूटर भितर जहाँ भी हार्डवेयर रिसोर्सेस अच्छी जहाँ भी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस अच्छी हार्डवेयर रिसोर्सेस कौन ये कौन करें प्रथम लिखीदे आम बुझा प्रथम है हार्डवेयर रिसोर्सेस सेयार कर प्लस कौन कर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस सेयार कर हार्डवेयर रिसोर्सेस सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस कौन से भी बुझा दरकार दुईटा नेटवर्क दुईटा कंप्यूटर भितर जदि आम हार्डवेयर रिसोर्सेस सेयार करें जानवा कंप्यूटर नेटवर्क आम सक्सेसफुली काम कला केमती का देख प्रिंटर वेदर प्रिंटर इज ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आई एम टॉट यू इन द फर्स्ट ईयर क्लास द प्रिंटर इज ए हार्डवेयर बिकॉज वी कैन टच हिम वी कैन टच इट एंड वी कैन सी आम देखिपर छुई पार दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हार्डवेयर तेणु से प्रिंटरटा को प्रिंटरटा गोटे हार्डवेयर डिवाइस तेनालीरु प्रिंटरटा को दुईटा कंप्यूटर सेयार करदे दुईटा कंप्यूटर यूज करदे कौन हो हार्डवेयर रिसोर्सेस सेयारिंग होगा खाली प्रिंटर नुहे मेनि नंबर सब हार्डवेयर डिवाइसेस कैन भी सेयार जमीन ये कंप्यूटर जो गोटे डीवीडी ड्राइवर लगी डीवीडी ड्राइव लगी दैट कैन भी यूज बाय दिस कंप्यूटर जदि यही कंप्यूटर गोटे मेमोरी कार्ड यूज करुच्छ कंप्यूटर गोटे हार्ड डिस्क लगी दैट हार्ड डिस्क कैन अल्सो बी यूज देयर अर्थ जेकोसी हार्डवेयर रिसोर्सेस लाइक मेमोरी लाइक ड्राइव लाइक प्रिंटर लाइक स्कानर एटसेट्रा एटसेट्रा मेनि नंबर्स अफ डिवाइसेस कैन भी सेयार्ड बिटवीन बोथ अफ देम से दिजन टाक यूज करेंगे मन रखा यहाँ हार्डवेयर रिसोर्स सर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस कौन सेयार करवा धरतु यही कंप्यूटर में गोटे गेम अच्छी आम यही कंप्यूटर गोटे गेम खेलुँ से गेमटा से कंप्यूटर ना यही गेमटा जो गेमटा मुझे ये खेलुँ से गेमटा से कंप्यूटर ना तो कौन करा पड़ो ना विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नाल मेमोरी लाइक पेन ड्राइव एटसेट्रा एटसेट्रा यदि मुझे यूज न करी दैट गेम कैन बी शेयर्ड बिटवीन शेयर्ड बाय दिस कंप्यूटर एंड दैट गेम कैन बी यूज्ड बाय दैट कंप्यूटर अर्थ यही कंप्यूटर थोड़ा गेम को कंप्यूटर शेयर कर दिए से गेम टाक से कंप्यूटर में बसी लोक से आराम से यूज कर दुई जन जाक से सामान गेम को खेली पारे दिस इज द बेसिक नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट टू शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस बिटवीन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड इन ए कंप्यूटर नेटवर्क क्लियर बुझी पार्लो जदि कौन पढ़ा मुझको तो नोट्स दे देती क्लास भी नौ जदि किसी डाउट आसे ताले तुम्हें मत कांटेक्ट करिवो मो नंबर तुम पाखे अच्छे तुम से कांटेक्ट करके तुम मानक डाउट क्लीयर कर तार टाइमिंग मुझे डिटेल्स लास्ट लास्ट को कहि कौन टाइम तुम फोन कर जाओ दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क तेरे मन रखियो दि कनेक्शन बिटवीन मोर देन वन कंप्यूटर इज कॉल्ड एज कंप्यूटर नेटवर्क क्लियर एवं देखा व्हाट आर द थिंग्स व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश ए कंप्यूटर नेटवर्क गोटे कंप्यूटर नेटवर्क को तैयारी करने इफ यू वांट टू मेक ए कंप्यूटर नेटवर्क व्हिच एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड कौन कौन एलिमेंट मो पाखे दरकार आम तो खाली जानी खाली कंप्यूटर दरकार ना खाली कंप्यूटर नुहे मेनी नंबर्स ऑफ थिंग्स आर मेनी नंबर्स कहीपरबी ओनली फाइव इंपोर्टेंट एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश ए कंप्यूटर नेटवर्क कौन कौन से गुड़िक ना प्रथम लिख द बेसिक एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क फाइव बेसिक एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क गोटे कंप्यूटर नेटवर्क पांचटा बेसिक एलिमेंट कौन 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 अच्छी तुम लिखी दिए हेडिंग कर बेसिक एलिमेंट्स एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू मेक ए कंप्यूटर नेटवर्क टू मेक ए कंप्यूटर नेटवर्क गोटे कंप्यूटर नेटवर्क करने कौन कौन मोर दरकार जिनस कौन कौन एलिमेंट गुड़िक दरकार से गुड़क आम डिस्कसन करवा तो मन रखिबो
to establish a computer network, minimum 5 numbers of elements are required. Out of them, I am going to discuss. First one is called as sender. Second one is called as receiver. Third one is called as message. Fourth one is called as communication channel. Last one is called as protocol. These are the 5 basic elements required to establish a computer network, and the elements are: first one is called sender, receiver, message, communication channel, and the last one is called as protocol. So first we will discuss about what is sender. Sender kahaku kahiba. Ame computer network re taiyari koriya pai mo pakre ei 5 ta element rohiba joruri. Ei 5 ta element ro jodi konosi gote element ko ame miss kariba, then the network cannot be established. Computer network ame taiyari kori pariba nahi. Tale kon koriya padibo na prathame ame dekhiya padibo, what do you mean by sender? Sender kahaku kahiba. Na jodi by definition ame jodi sender definition ko jiba, sender definition amko kahuchi the sender is a computer in a computer network which can send the message to the computer network. अर्थो कंप्यूटर नेटवर्क रे सेंडर टा गुटे कंप्यूटर जे की कंप्यूटर नेटवर्क को डाटा पठाई परिबो, मेसेज पठाई परिबो, सिग्नल पठाई परिबो, ताको हम कोन कहबा, ताको हम कंप्यूटर एथरी, ताको हम सेंडर बोली कहबा। तो तुम मन कर क्वेश्चन आस्तो सर कोन जो कंप्यूटर सब बेले मेसेज पठेला के कोन केबे रिसीव करि परिबो ने? यस रिसीव करिबो, ताको हम के परवर्ती पर जरा आ 5 10 मिनट वेट करू, म ता विषय रे डिटेल्स कहिबी। किंतु ता बरोबर जानो सेंडर इज ए कंप्यूटर इन ए कंप्यूटर नेटवर्क व्हिच कैन सेंड द मेसेज टू द रिसीवर। तो एई कंप्यूटर टाको आमे प्रथम पई आमे कोन करबा, एई कंप्यूटर टाको आमे सेंडर बोली लिखि देबा। एई कंप्यूटर टाको आमे कोन करबा, दिस कंप्यूटर इज कॉल्ड एज सेंडर, लिखि दउ छी एटी सेंडर, दिस कंप्यूटर इज कॉल्ड एज सेंडर। देन तापर कोन आसला रिसीवर, व्हाट डू मीन बाय रिसीवर? रिसीवर रो काम कोन? द रिसीवर इज आल्सो ए कंप्यूटर इन ए कंप्यूटर नेटवर्क व्हिच हैज द एबिलिटी टू रिसीव द मेसेज फ्रॉम द नेटवर्क। अर्थात नेटवर्क को नेटवर्क रे थिबा मेसेज गुड़ी को से मेसेज को जे रिसीव करी पारे, द डिवाइस द कंप्यूटर व्हिच हैज द एबिलिटी टू रिसीव द मेसेज फ्रॉम द नेटवर्क, दैट कंप्यूटर इज कॉल्ड एज रिसीवर। ताको हम कोन कहबा? रिसीवर बोली कहबा। त मन रखिबो इट दिस कंप्यूटर इज कॉल्ड एज रिसीवर। एटा को हम कोन करबा? एटा को हम रिसीवर बोली कहबा। मन रखिबो दिस कंप्यूटर इज कॉल्ड एज रिसीवर। तो दुईटा कंप्यूटर भितर गोटे सेंडर पळेला, गोटे रिसीवर पळेला, तापर कोन आसीबो? मेसेज। व्हाट डू मीन बाय मेसेज? ता जदी मेसेज पठेबा दरकार, ता मेसेज ता जीवो कोंटू ना? मेसेज ता जीवो हमर कहा पाखरु? ना सेंडर पाखरु जीवो मेसेज। दिस इज कॉल्ड मेसेज। एटा को समस्त लक्ष्य रखिबो। एटी मु डायग्राम ता कर देली, एटी ताको मेसेज बोली लिखि दउची। जते बेले भी ए वीडियो ता देखुतबो तम पाखरे मन रखिबो, तम पाखरे गोटे रफ कॉपी, गोटे पेन आ मु देथिबा नोट्स संगे बुक्स एतिक जिनस रखिकी आगो पढ़िबो। यदि कौन जगह प्रॉब्लम होला मते फोन करिबो, आउ भल भाव पढ़िबो, मोर विश्वास अछि तुमने निश्चित एटा बुझी पारिबो। तो प्रथम देखला मेसेज। मेसेज आमे कहा कहिबा ना? मेसेज जदि देखिबा, मेसेज मीन मेसेज इज ए पीस ऑफ इनफॉर्मेशन व्हिच इज सेंड बाय द सेंडर टू द कंप्यूटर नेटवर्क और टू द रिसीवर। अर्थ मेसेज होछि सेइटा गुटे पीस ऑफ इनफॉर्मेशन। तले सर पीस ऑफ इनफॉर्मेशन कोन ना? पीस ऑफ इनफॉर्मेशन मीन्स इट मे बी सम टेक्स्ट, इट मे बी सम नंबर्स, इट मे बी ए वीडियो क्लिप, इट मे बी ए ऑडियो, इट मे बी एन ऑडियो क्लिप, इट मे बी ए मूवी, व्हाट एवर इट मे बी व्हिच आर सेंड बाय द सेंडर टू द रिसीवर टू द कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड एज मेसेज। जे मेसेज टा और मेसेज रो अर्थ कोन ना? प्रथमे सेंडर जोंटा पठेबो से जा भी ता हेलो हाय जा भी पारे, जा भी मेसेज पठा जाउची से गुडी को आमे कोन ताको आमे कोन कहबा? मेसेज कहबा, किबा तार आउटे नाम बेठी लिखि परिबा। आमे सिग्नल सिग्नल लिखिले किसी भूल हो ना, तक आम मेसेज कही पारा कि आम सिग्नल बोली कही पार बुझीगला। नेक्स्ट आसा कौन? कम्युनिकेशन चैनल व्हिच इज वेरी इंपोर्टेंट, व्हिच इज वेरी इंपोर्टेंट। कम्युनिकेशन चैनल इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर ए कंप्यूटर नेटवर्क। मुझे तो टी आगे कहली पांचटा एलिमेंट भितर जो गोटा को क्या मिस करवा आम कंप्यूटर नेटवर्क ना कंप्यूटर नेटवर्क या ना आम आम भितर डाटा कम्युनिकेशन आम कर रास्ता।
both the computers are connected in a computer network. But a computer network, duita computer, kiba many numbers of computers, jodi connect hei thanti, jaha madhyamare connect hei thanti, that is called communication channel. Tammanaka bhitaru dharantu gote pilara ghara bartan swara. Se bartan Baleswar ko asibo, ama college ko, Wisdom college ko asibo. Jetle Wisdom college ko asibo, se asiba pai kon dorkar? Gote rasta thiba dorkar age. Jodi rasta nahi, tale ame asibariu nahi. सर आम आकाशे उड़ी उड़ी अरे आकाशे उड़ी उड़ी आसल देर इज ए पाथ जो पाथ रे कि आम एरोप्लेन कि जेट जे मैंने सब एयर जाऊँ भी गोटे रास्ता या कौन सी जेट एरोप्लेन एम मन इच्छा उड़ी की जापर ना देर इज ए पाथ व्हिच इज कंट्रोल बाय दि कंट्रोल रूम रे से पाथ रा तैयारी कराई से कंट्रोल रूम रे बसिक कंट्रोल करेंगे कम्युनिकेशन चैनल मीन्स इट इज ए पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर तुमको सर आपन कहले इट इज ए केबुल सब कौन खाली केबुल यूज करवा कि केबुल चैनल कौन सब खाली केबुल हे कि ना सेमती ना देर आर टू टाइप्स ऑफ चैनल्स डिटेल्स आम पढ़ा बट सम्यक धारणा तुमको आज दे दूसरे विषय में कम्युनिकेशन चैनल इज ऑफ टू टाइप्स वन इज कॉल्ड गाइडेड मीडिया अनदर इज कॉल्ड अनगाइडेड मीडिया गोटे गाइडेड मीडिया गोटे अनगाइडेड मीडिया कि अति प्रांजल भाषा कह गोटे वेयर मीडिया गोटे वेयरलेस मीडिया अर्थ जो जगह तार लगुच्छी वेयर मीडिया दैट इज गाइडेड मीडिया जो जगह तार लगू ना तुम बर्तमान मु कॉल करी तुम मान भर क्या कॉल करी तेल मो मोबाइल रु तुम मोबाइल पर्यटन कौन मुझे केबुल टाणी नहीं चीज ना ना केबुल टाणी नहीं नहीं तो अनगाइडेड मीडिया यूज होयरलेस मीडियम यूज होयरलेस कम्युनिकेशन चैनल यूज एंड देर आर वेरियस वेयरलेस कम्युनिकेशन चैनल्स आर देयर जमीका तुम ब्लूटूथ ना शुणी इन्फ्रारेड ना शुणी तुम घर टीवी तुम टीवी टा आगे रखी छ टीवी रखी चो घर बस के रिमोट टाक प्रेस कर रिमोट आउ टीवी आपको दिजों के भीतर जो कम्युनिकेशन टा होची दिस कम्युनिकेशन चैनल नेम इज कॉल्ड इन्फ्रारेड एसी रो स्विच प्रेस कर साउंड म्यूजिक सिस्टम रो रिमोट कंट्रोल यूज कर प्रत्येक रिमोट कंट्रोल ले इन्फ्रारेड कम्युनिकेशन सिस्टम यूज होची बट आजिका डेट रे बहुत गुडे रिमोट आसलानी से कौन यूज कराउची रेडियो वेव यूज कराउची कौन रेडियो वेव कौन इन्फ्रारेड कौन से भीतर डिफरेन्स कहीं आम इन्फ्रारेड बदल रेडियो यूज करवा से विषय में परवर्त पर्यायर देखा बहुत गुट जिन विषय में पढ़ा बट खाली मन रख कम्युनिकेशन चैनल मीन्स इट इज ए पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर थ्रू व्हिच बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर एंड विदाउट हैविंग एनी कम्युनिकेशन चैनल नेटवर्क कैन नॉट बी एस्टैब्लिश डाटा कम्युनिकेशन तो पर कथा हम वर्तमान नेटवर्क एस्टैब्लिश कर पारा ना तो मन रख कम्युनिकेशन चैनल इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर ए कंप्यूटर नेटवर्क एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल लास्ट कौन कहते प्रोटोकॉल बोली कहूँ व्हाट डू मीन बाय प्रोटोकॉल ना प्रोटोकॉल मीन्स यदि हमें सिंपल आगे गोटे एग्जांपल लेके बुझा गोटे बढ़िया उदाहरण लेके बुझा तापर हमें डेफिनेशन को जीवा धरतु मुझे कहबी जे काश्मीर रु बालेश्वर को आम सेव आस एपल आसो काश्मीर भल आपल हुए आम बालेश्वर लोक भारी एपल खाइबा आम भारी पसंद एपल तेणु आम तो काश्मीर जाके खाइबानी काश्मीर रु एपलटा कौन आठ कौन आलेश्वर कौन आ तेना बर्तमान ये एक्जामपल ना यहाँ आम काश्मीर अर्थ काश्मीर हूँ सेंडर रिसीवर किए बालेश्वर हूँ रिसीवर वी आर द रिसीवर्स अच्छा काश्मीर रु बालेश्वर पर्यंत जो रास्ता तैयारी जो नेशनल हाइवे तैयारी है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल ताले काश्मीर रु कौन आसो आम सेंडर आम पाक कौन पठेब मेसेज पठेब ये मेसेज किए एपुलटा हूँ मेसेज से मेसेज ताले सेंडर है काश्मीर रिसीवर है मु कि बालेश्वर आम कम्युनिकेशन चैनल है नेशनल हाइवे आउ जो मेसेजा है कौन एपल अच्छा प्रथम क्वेश्चन है चारिटा तो आम पाइले सेंडर रिसीवर मेसेज कम्युनिकेशन चैनल सब पाइले बट क्वेश्चन आसला कौन काश्मीर रास्ता उपर गोटे एपल को रखीदे से एपुलटा कौन किसी समय पर गड़ी गड़ी आसिक बालेश्वर पहुंचे कि आसो कमी ना ताक जी बही कर जी क्यारि करके आट इज कल्ड प्रोटोकल दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल सेठ जमी काश्मीर गोटे ट्रक एपलटा को क्यारि कर आणिक नहीं आम पाखे पहुँचे जमी गोटे क्यारिअर गोटे वेहिकल गोटे ट्रांसपोर्ट मध्यम आसूसी आम कंप्यूटर नेटवर्क गोटे कंप्यूटर रू आ गए कंप्यूटर पर्यटन जी डाटा को क्यारि करके नहीं जाऊँगी दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल आदि आम डेफिनेशन को जी डेफिनेशन है प्रोटोकॉल इज कॉल्ड द सेट ऑफ रूल्स व्हिच हेल्प्स और व्हिच गवर्न्स द डाटा कम्युनिकेशन इन ए कंप्यूटर नेटवर्क गोटे कंप्यूटर नेटवर्क रे डाटा कम्युनिकेशन रे जी हेल्प करे डाटा कम्युनिकेशन को जी मैनेज करे जी कंट्रोल करे जी डाटा कम्युनिकेशन कराए कौन कहता प्रोटोकॉल बोली कहवा
ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଗଲି ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ମାଇନସ୍ କରିବା ଡାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ ବିଟୱିନ୍ ସେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ରିସିଭର କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ପସିବଲ କେବେ ବି ପସିବଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ସେଣ୍ଡର ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ତ ନେଟୱାର୍କ ହବନି ରିସିଭର ନ ରଖିଲେ ବି ନେଟୱାର୍କ ହବନି ଯଦି ମେସେଜ୍ ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି କାହିଁକି କରିବା ଯଦି ତମ ମୋ ଭିତରେ ଆମର କିଛି କଥା ହବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିବି ମୋ ପାଖରେ ଫୋନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ଜାଣିଲ ଯଦି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିବ ତାହେଲେ ସେଣ୍ଡର ରିସିଭର ବୋଥ୍ ଆର୍ କେବେ ବି ସେମାନେ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ତ କହିଲି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ୟୋର ମେସେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟୁ ଆନଦର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତ ମନେ ରଖିବ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ବେସିକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ୱିଦାଉଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏ ନେଟୱାର୍କ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିଗଲା ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଅଦର ବେସିକ୍ ହାର୍ଡୱେୟାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ହାର୍ଡୱେୟାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କରେ କ'ଣ ସବୁ ହାର୍ଡୱେୟାର ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କ'ଣ ହାର୍ଡୱେୟାର ଡିଭାଇସ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କରେ କ'ଣ ହାର୍ଡୱେୟାର ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରେ ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହାର୍ଡୱେୟାର ଡିଭାଇସ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ନୋଟ୍ସରେ ବି ଅଛି ତୁମେ ଦେଖିବ ସର୍ଭର ଅଛି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଅଛି NIC ଅଛି ଏହିସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଉଥରେ ସେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କର ଡାଇଗ୍ରାମଟାକୁ ଆଉଥରେ ଆମେ କରିବା ଛୋଟ ଡାଇଗ୍ରାମଟେ କରିବା ଆମକୁ ସ୍ପେସ୍ ଟିକେ ମିଳିବ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମେ କନେକ୍ଟ କରିଦେବା ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି ହେଇଗଲା ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ହାର୍ଡୱେୟାର ଡିଭାଇସେସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କରେ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଷ୍ଟ ବି ମିନିମମ୍ ଟୁ ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ମେକ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରୁ ମୁଁ କହିଲି ଜଣଙ୍କୁ କହିବା ସେଣ୍ଡର ଜଣଙ୍କୁ କହିବା ରିସିଭର ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିବ ସାର୍ ସେଣ୍ଡର କ'ଣ ଖାଲି ସବୁବେଳେ ପଠାଉଥିବ କି ମେସେଜ୍ ଆଉ ରିସିଭର କ'ଣ ଖାଲି କ'ଣ ସବୁବେଳେ ରିସିଭ୍ କରୁଥିବ କି ଲାଇକ୍ ୟୋର୍ ଟିଭି ଆଣ୍ଡ ୟୋର୍ ଟିଭି ସେଣ୍ଟର ତୁମ ଘର ଉପରେ ତୁମେ ଡିସ୍ ଆଣ୍ଟିନା ଲଗେଇଛ ଡିସ୍ ଆଣ୍ଟିନା ଡାଟା ରିସିଭ୍ କରୁଛି ଟିଭିକୁ ଦେଉଛି ତୁମେ ଥରେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ତୁମ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଧରନ୍ତୁ ଜି ଟିଭିରୁ ଡାଟା ଆସୁଛି ତୁମେ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ ତୁମ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜି ଟିଭିକୁ କିଛି ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ଇଜ୍ ଦାଟ୍ ପସିବଲ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍ କାହିଁକି ନା ସେଠି ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ସିଷ୍ଟମ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କେବଳ ସେଣ୍ଡର କ୍ୟାନ୍ ସେଣ୍ଡ ଦ ମେସେଜ୍ ଟୁ ୟୁ ଅର୍ ୟୁ ଆର୍ ଦ ରିସିଭର ତୁମ ପାଖକୁ କେବଳ ସେଣ୍ଡ କରି ୟୁ ହାଭ୍ ନୋ ଏବିଲିଟି ତୁମ ପାଖରେ କୌଣସି ଏବିଲିଟି ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେଣ୍ଡ ମେସେଜ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁମେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ପାରିବ ସେମିତି କିଛି ତୁମ ପାଖରେ ଏବିଲିଟି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କରେ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରଖିଲେ ଜଣଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ସେଣ୍ଡର ଜଣଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ରିସିଭର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ସବୁବେଳେ ସେଣ୍ଡର ବୋଲି କହିବା ବିକଜ୍ ଦିସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଜ୍ ଅଲସୋ ଏବିଲିଟି ଟୁ ରିସିଭ୍ ଦ ମେସେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଜ୍ ଅଲସୋ ଏବିଲିଟି ଟୁ ସେଣ୍ଡ ଦ ମେସେଜ୍ ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସେଣ୍ଡର ରିସିଭର ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ରିସିଭର ସେଣ୍ଡର ଇମ୍ପସିବଲ ସେମିତି କେବେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ମନେ ରଖିବ ଇଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କ ହୋଲ୍ଡସ୍ ଟୁ ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କରେ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କ'ଣ ନାଁ ଦେବା ନା ବୋଥ୍ ଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାଭ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ନେମ୍ ଏ ଦୁଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ ଅଛି ସେ ନାଁ ଭିତରୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ନାଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମେ କହିବା ସର୍ଭର ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କହିବା ସର୍ଭର ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କହିବା କ'ଣ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ସର୍ଭର ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସର୍ଭର ନାଁଟା ଶୁଣିଗଲା ବେଳକୁ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବିସାରିବଣି ଯେ ସର୍ଭର ୱାର୍ଡଟା ତ ଆମେ କେତେ ଦିନରୁ ଶୁଣିଛେ ଯେମିତିକା ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରୁଥିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କିଛି ସର୍ଭର ସ୍ଲୋ ଲେଖୁଥିବ ସର୍ଭର ନଟ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ କିମ୍ବା ସର୍ଭର ସ୍ଲୋ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଲେଖେ ତା ମାନେ କ'ଣ ସର୍ଭର କ'ଣ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ତୁମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତୁମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ତୁମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ ସେ ସମୟରେ ତୁମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ହେଇଯାଉଛି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ ସର୍ଭର ଆଉ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯଦି ବେସିକ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ତୁମ ଘରେ ତୁମର ରୋଲ୍ ଆଉ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ରୋଲ୍ ତୁମ ଘରେ ତୁମ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ଭର ଆଉ ତୁମେ ହେଉଛ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ ଦେଖିବା ତୁମେ ୱିଜଡମ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସିଲା କି କ'ଣ ପିକନିକ୍ ଯିବା ପିକନିକ୍ ଆସିଲା ତ ପିକନିକ୍ରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ କିଣିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ଗଡ଼େଇ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି ସାର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଗଡ଼େଇ ସାର୍ ଦେବେ କି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ବାପାଙ୍କୁ କହିବା କାହିଁକି ବିକଜ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର୍ ଇଜ୍ ଦ
sole authority of your family. Your father is the master family member of your family. Tama family re tama parivar re tama bappa hujun the head of the family. Hela ki a tumhe kon houcho na tumhe houcho simple gote normal sei bhalia eti ame kon kahiba ei jo computer network jodi computer network ta gote family hue tale server is the father and client means you. तो मन रखिबो जे गुटे कंप्यूटर नेटवर्क रे दुईटा कंप्यूटर जदि मिनिमम थाय ता भीतर वन सर्वर मस्ट बी देयर एंड वन क्लाइंट मस्ट बी देयर तो तमो मानक भीतर क्वेश्चन आस्तुबो सर गोटे कंप्यूटर नेटवर्क रे आमे कोन गोटे सर्वर रखिबा कि ताटू अधिक सर्वर आमे ऐड करि पारिबा ना करिबानी गोटे कंप्यूटर नेटवर्क रे गोटे क्लाइंट रखिबा ना ताटू अधिक नंबर ऐड करि हबो ना दैट डिपेंड्स ऑन यू और दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन आम जब गोटे छोट संस्था काम करुचु से संस्था गोटे सर्वर हेले हुए तो मैनेज बट नाउ आम जब किसी बड़ बड़ कंपनी मान एग्जांपल ना गूगल हो आमर फेसबुक हो बीएसएनएल हो रिलायंस हो जिते बड़ बड़ सब कंपनी मैंने अच्छा यूट्यूब हो से मेनी नंबर्स ऑफ सर्वर्स यूज करती एंड एट द सेम टाइम ऑल द सर्वर्स वर्किंग टुगेदर सब सर्वर मिसिक एका सांगे काम करते इट मीन्स कौन कहना चाहिए शुण ये कंप्यूटर रे गोटे गोटे कंप्यूटर नेटवर्क रे वी कैन एड मोर सर्वर एंड गोटे कंप्यूटर नेटवर्क रे वी कैन एड मोर क्लाइंट्स दैट डिपेंड्स ऑन यू सर्वर आउ क्लाइंट केतरा केतरा रखिहब से तुम उपरे डिपेंड करे सेमती किसी ना जे गोटे कंप्यूटर नेटवर्क रे केवल गोटे सर्वर यूज हम केवल गोटे क्लाइंट यूज हम हाँ जदि तुम कंप्यूटर इफ योर कंप्यूटर नेटवर्क हैज मिनिमम टू नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स देन देयर इन दैट नेटवर्क you can have one server and you can have one client tom pakre gote client rahibo tom pakre gote server rahiba nischit jaruri one client one server must be there next dekhiba abe what do you mean by server the server means it is a master computer in a computer network gote computer network eta gote master computer which has the ability to control and manage the client amra client manaku control kariba client manaku manage kariba पाई जोटा को यूज करा जाए कौन कहें सर्वर बोली कह जमी तुम फैमिली कथा कहती बापा कौन तुमको सब खाली रागती आटंती कि गाड़ी दिखती कि बापा सब ना आउ कौन करती बापा आमको ड्रेस दिखती बापा आमको बुक्स दिखती बापा आमको कलेज एडमिशन करती बहुत किसी काम करते से भाया खाली सर्वर से कंट्रोल कर मैनेज कर सर्वर अल्सो प्रोवाइड द बेसिक थिंग्स फर दि क्लाएंट्स बेसिक थिंग्स कौन सब सबकि एव्रीथिंग ए सर्वर इज यूज टू प्रोवाइड to all these things required by a client gude client ro jaha jaha dorkar padibo se sab kon karibo server ta ko provide karibo gude sarkale server actually gude kon na server means it is a computer client means is also a computer server is a computer in a computer network which has larger memory capacity which has huge data processing capacity which has highest storage capacity huge number of processors are there ये सब जिन गोटे कंप्यूटर पाखे अच्छे आम सर्वर बोली कह क्लाइंट मीन इट इज जस्ट ए टर्मिनाल इट इज जस्ट ए टर्मिनाल इट मीन दैट कंप्यूटर हैज ओनली वन राम कार्ड ओनली वन रैंडम एक्सेस मेमोरी वन मदरबोर्ड इज देयर कीबोर्ड माउस इज देयर एंड वन टर्मिनाल वन मॉनिटर इज देयर दैट कंप्यूटर मे हैव दैट कंप्यूटर मे हैव ए सेकेंडरी मेमोरी और नॉट से कंप्यूटर गोटे सेकेंडरी मेमोरी थी पारे न थी पारे जदि भी ना जदि अच्छी भी डाटा स्टोर करदी ना क्लाएंट कौन कर क्लाएंट सर्वर मेमोरी को यूज कर एज द सेकेंडरी मेमोरी फर इट सेल्फ ता निजपाई से सर्वर सेकेंडरी मेमोरी को सी यूज कर डाटा स्टोर करने तो मन रख गोटे कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर इज ऑल इन ऑल ए सर्वर कैन कंट्रोल टू ऑल द क्लाएंट्स which are connected to a computer network gude computer network re server sabuda ko jete client thibe jete device thibe samast ko se control kari pariba aur gude ati important jinso je gute client ro user id password that can also be provided by the server gude computer network ro jete ki rahibo client rahibo sorry jete ki user id password client mane use karibe se gudiko ke provide karibo server provide karibo तुम कह सर आम जो फेसबुक आईडी क्रिएट करते गूगल आईडी क्रिएट ईमेल क्रिएट करते आम तो निजे यूजर आईडी पासवर्ड दौ हाँ तुम्हें निजे यूजर आईडी पासवर्ड दौ सत बट दैट इज वेरीफाइड बाय द सर्वर सारा सर्वर वेरीफाई कर तुम देखि ईमेल क्रिएट कला बेले गोटे ईमेल तुम दौ
ताले कौन हम से इमेल टा एक्चुअली एक्जिस्टिंग इमेल लिस्ट भितर अच्छी ना न्यू इमेल रोचे से सांगे सांगे सर्वर भेरीफाई करके तुमको कहीदे अर्थात जदि तुम गोटे ना दे से ना जो आउ गए इमेल थी से ना तुम आउ गए ना इमेल तुम खोली पार ना कहीं खोली पार ना बिकज सर्वर इज देयर सर्वर सहित तुम्हें कनेक्ट होती अच तेनालीराम तुम गोटे भूल आई डी तुम दब सर्वर विल इग्नोर इट सर्वर ताको इग्नोर कर रिकग्नाइज करना ताको अलाउ करना जे ए आईडी तुम इमेल क्रिएट कर मन रख पे सर्वर गोटे मास्टर कंप्यूटर इन ए कंप्यूटर नेटवर्क व्हिच कैन कंट्रोल एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन ए कंप्यूटर नेटवर्क एंड क्लाइंट मीन्स इट इज ए वेरी सिंपल कंप्यूटर इट इज कंट्रोल्ड बाय द सर्वर क्लाइंट यूजेस ऑल द रिसोर्सेस ऑफ ए सर्वर गोटे सर्वर पाखे जहाँ भी रिसोर्सेस अच्छी से गुड़िक क्लाइंट यूज कर पार हाँ आ गए बड़ कथा जदि सर्वर चाहिए जदि धरत आम पाखे तीन टा क्लाइंट अच्छा सर्वर चाहिए कौन क्लाइंट सहित कनेक्ट हे कौ क्लाइंट को सी डिस्कनेक्ट कर दैट डिपेंड्स ऑन हिम दैट डिपेंड्स ऑन सर्वर सर्वर उपर डिपेंड करे से क्या क्लाइंट कौ क्लाइंट को अलाउ कर कौ क्लाइंट को अलाउ करनी डिपेंड करे तेना मन रख पे इन ए कंप्यूटर नेटवर्क बोथ सर्वर एंड क्लाइंट्स आर द इम्पोर्टेंट कंप्यूटर्स विदाउट व्हिच दे माने वी कैन नॉट थिंक अबाउट ए कंप्यूटर नेटवर्क आम गोटे कंप्यूटर नेटवर्क बाबद आम चिंता भी करपरिया ना तेना सर्वर आउ क्लाइंट गला एवं आम पढ़ा कौन सर्वर क्लाइंट पर आम ए पढ़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज एन आई सी मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज एन आई सी हुई स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नेटवर्क इंटरफेस व्हाट डू मीन बाय नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंटरफेस मीन्स कौन ना प्रथम कथा आगे देखो एटा कौन आगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मीन्स इट इज ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड व्हिच होल्ड्स वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट अमंग विथ और विथ फ्यू नंबर्स ऑफ पोर्ट्स आर देयर किसी तादरे पोर्ट भी अच्छे किसी स्लॉट भी अच्छे ये जो एनआईसी कहली इट इज ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड व्हिच इज यूज्ड ईच एंड एवरी कंप्यूटर व्हिच कंप्यूटर यू वांट टू कनेक्ट इन ए नेटवर्क और इन इंटरनेट कौन सी कंप्यूटर टाक इंटरनेट रे कौन सी कंप्यूटर टाक कंप्यूटर नेटवर्क रे तुम्हें कनेक्ट करिया को चाहिबो तले तुम पाखे एनआईसी रहिबा जरूरी विदाउट हैविंग एन एनआईसी यू कैन नॉट कनेक्ट योर कंप्यूटर विद द कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट देखो आम जो कंप्यूटर नेटवर्क डायग्रामा करूँ से डायग्रामा आउ टे छोटे डायग्रामे डायग्रामा सब बड़े दरकार होशत लिभि जाणु तुम्हें जितेबले आमर आम सेकेंड इयर पाठ पढ़िलु मैंने यही डायग्रामा को तुम सब आखिरे रखि थ मन भितर एटा सब दरकार आउ का कथा न भावि सब मन भितर आमर यही डायग्रामा आमर थी दरकार तेबे जाके आम पाठ बुझीपर ना बुझीपर ना तेणु देख आम दुईटा कंप्यूटर आने एनआईसी यूजेसटा मुझे कहूँ देख एनआईसी कौन कले आम दुईटा कंप्यूटर आने दुईटा कंप्यूटर को कनेक्ट करवा देख धरत मो पाखे ए केबुल इज देयर मो पाखे गोटे केबुल अच्छे कम्युनिकेशन चैनल गोटे केबुलटे अच्छे केबुलटा जो मुझे आनि एवरी केबुल हेज दुईटा गोटे केबुल दुईटा एंड थी एटा गोटे एंड एटा गोटे एंड तेल से दुईटा एंड को लेकिन कंप्यूटर मुझे कौन जगार इनसर्ट करी तुम देखि आम पोर्ट पढ़ी आरजे 45 पोर्ट भिजीए पोर्ट यूएसबी पोर्ट PS2 पोर्ट सीरीयल पोर्ट पारालाल पोर्ट वेरियस टाइप्स ऑफ पोर्ट आम पढ़ी फर्स्ट इयर तो ताकि गोटे पोर्ट थी आरजे 45 पोर्ट गोटे थी रजिस्टर्ड जेक 45 पोर्ट गोटे थी से आरजे 45 पोर्टा कौन ना से आरजे 45 पोर्टा जो बोर्ड उपरे अच्छी जो स्लॉट उपरे अच्छी दैट स्लॉट और दैट बोर्ड इज कॉल्ड एनआईसी अर्थात एवरी कंप्यूटर प्रत्येक कंप्यूटर बैक साइड रे गोटे छोटिया स्लॉट टे अच्छी से स्लॉट रे नहीं केबुल टा को हमको इनसर्ट करिया को पड़ो तो जो पोर्ट रे नहीं आम एटा को इनसर्ट करिबा दैट डिवाइस से डिवाइस रो ना हला कोन रखिबो दैट डिवाइस रो ना हला कोन एनआईसी तेणु प्रत्येक कंप्यूटर रे गोटे एनआईसी रहिबा बाध्यतामूलक अराउंड द ग्लोब पृथ्वी सारा जिते कंप्यूटर यूज होदि से कंप्यूटरटा कंप्यूटर नेटवर्क रे कि इंटरनेट रे तुम्हें कनेक्ट करा चाहो तो कंप्यूटर रे निश्चित गोटे एनआईसी कार्ड रहा जरूरी ना कनेक्ट हो पार ना मन रहा
এবে দেখিবা তাহলে কোন করিবা না আমি গোটে কেবলটা আনিবা সে কেবলটা আনিকে আমি এইটি কানেক্ট করদবা তেমন আমি কোন দরকার যদি মো পাখরে কেবলটে আছে আর দুইটা কম্পিউটরকে মু কানেক্ট করিয়া গু চাউচি তাহলে কোন করিবা তে এনআইসি রে কানেক্ট করদবা আচ্ছা এনআইসি রে কানেক্ট করি সারলা পরে কোন হবো তার মনে রাখিব এনআইসি ইজ এ ডিভাইস এনআইসি ইজ এ প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড হুইচ হুইচ অ্যাক্টস লাইক এ ইন্টারফেস বিটুইন ইয়র কম্পিউটর এন্ড এ কম্পিউটর নেটওয়ার্ক গোটে কম্পিউটর নেটওয়ার্ক আউ তুম কম্পিউটর ভিতরে তার গোটে ইন্টারফেস হিসাবে কাম করে অর্থাৎ ইন্টারফেস মানে কোন উইথ দ্য হেল্প অফ দিস কার্ড উইথ দ্য হেল্প অফ দিস ডিভাইস ইয়র কম্পিউটর ক্যান বি কনেক্টেড টু এ কম্পিউটর নেটওয়ার্ক যদি তোমাকে স্যার যদি মো কম্পিউটর এনআইসি নাই তা ক্যান আই কনেক্ট মাই কম্পিউটর টু এ কম্পিউটর নেটওয়ার্ক ইম্পসিবল হই পারিব নাহি মনে রাখিব এভরি কম্পিউটর মাস্ট হ্যাভ এন এনআইসি এন্ড উইথ দ্য হেল্প অফ দ্যাট এনআইসি আই ক্যান কম্পিউটার অর উই ক্যান কনেক্ট এ কম্পিউটার ইন এ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক মনে রইলা দেখ প্রত্যেক এনআইসি রে এভরি এনআইসি হোল্ডস টু টাইপস অফ এড্রেস প্রত্যেক এনআইসি রে দুই প্রকার এড্রেস থাকে প্রত্যেক এনআইসি রে দুই প্রকার এড্রেস থাকে কোন ওয়ান ইজ কল্ড আইপি এড্রেস অ্যানাদার ইজ কল্ড ম্যাক এড্রেস হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যানাদার ফার্স্ট ওয়ান ইজ কল্ড আইপি এড্রেস অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ কল্ড ম্যাক এড্রেস আইপি র ফুল ফর্ম কোন পিলা মানে না আইপি র ফুল ফর্ম হেলা ইন্টারনেট প্রোটোকল ইন্টারনেট প্রোটোকল এন্ড অ্যানাদার এড্রেস ইজ দেয়ার হুইচ ইজ কল্ড ম্যাক এড্রেস হুইচ স্ট্যান্ডস ফর মিডিয়া অ্যাক্সেস কন্ট্রোল মিডিয়া অ্যাক্সেস কন্ট্রোল মনে রাখিব এভরি এনআইসি হোল্ডস টু টাইপস অফ এড্রেস ওয়ান ইজ কল্ড ইন্টারনেট প্রোটোকল এড্রেস অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ কল্ড মিডিয়া অ্যাক্সেস কন্ট্রোল এড্রেস তুমি স্যার দুইটা এড্রেস কাহিঁকি জরুরি কোণ হব মোট দুইটা এড্রেস গোটে এড্রেস হলে তো হেলা না দেখ মু তুমি গোটে ছোটিয়া জিনিসটা বুঝাইবি দেখ দেখ আমি সমস্তে জানিছু আম পাখে স্মার্টফোন অছি কিংবা যেকোনো ফিচর ফোন অছি যদি আম পাখে কিছু ফোন অছি নিজ নিজ ফোনরে ঘরে টিকে ট্রাই করিব নিজ নিজে ট্রাই করিব লেখিব নিজ ফোনরে তুমি টাইপ করিব স্টার হাস জিরো সিক্স হাস স্টার হাস নিজ নিজ ফোনরে ট্রাই করিব স্টার হাস জিরো সিক্স হাস তেমন যেতবে আমি কৌশি মোবাইলে স্টার হাস জিরো সিক্স হাস প্রেস করা দেখ কোণ হচ্ছে মু তোমাকে দেখছি একদম প্রাকটিকাল দেখে দেছি এটি আমার জন সার আছেন মু সার গোটে মোবাইলটা নিয়ে ট্রাই করছি দেখ দিস ইজ দ্য মোবাইল ফোন আসলে স্টার হাস জিরো সিক্স হাস প্রেস কলে আম পাখে কোণ আসা গোটে নম্বর আসা দ্যাট ইজ কল্ড আই এম ই আই নম্বর আই এম ই আই নম্বর আই এম ই আই নম্বর এটা কোণ আর যদি তোম ফোনরে যদি তোম ফোনরে দুইটা সিম থিব দুইটা সিম মিন্স দুইটা সিম লাগিবা পাইন যদি স্লট থিব তাহলে তোম পাখরে দুইটা আইএমইআই নম্বর আসিব গোটা হলা আইএমইআই ওয়ান গোটা হলা আইএমইআই টু তুমি সিম কার্ড ইনস্টল তুমি সিম কার্ড সেথিরে লোড কর ন কর বাট যদি তোম পাখরে দুই সিম বালা ফোন অছি তাহলে দুইটা আইএমইআই নম্বর রহিব আর যদি তোম পাখরে ফিচর ফোন অছি লাইক নকিয়ার যোন ছোটিয়া ছোটিয়া ফোন গুলা আসুছি কিংবা স্যামসং রা আসুছি সেইথিরে গোটে সিম বালা যদি থিব তাহলে গোটে আইএমইআই নম্বর আসিব কারণ আইএমইআই আইএমইআই নম্বর কোণ না আইএমইআই নম্বর অর্থ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি আদরে কই দউছি ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি তা মানে কোণ ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটির অর্থ হচ্ছে যে অল ওভার ওয়ার্ল্ডরে প্রত্যেক মোবাইল কু গোটে সেপারেট সেপারেট নম্বর দিয়া যাইছে হুইচ ইজ ইউনিক ইন নেচর হুইচ ইজ ইউনিক ইন নেচর যেমিতিকা আমি ডাটাবেসরে ফার্স্ট ইয়ারে পড়িলে যে আমার প্রাইমেরি কি যদি লাগিগলা তাহলে আমার রোল নম্বরটা ইউনিক হয়ে গলা আমি অন্য কাহাকু সে রোল নম্বর দেই পারিবা নাই বুঝিবার লাগে নাই তো সেই ভলিয়া প্রত্যেক মোবাইল ফোনরে গোটে নম্বর আছে আইএমইআই নম্বর সেটা স্টার হাস জিরো সিক্স হাস প্রেস কলেই তুমি এ নম্বরটা পাইব তোমাকে স্যার এ নম্বরটা আপন আমাকে এ নম্বরটা কাহিঁকি কলে এ নম্বরটা আপন আমাকে কাহিঁকি কলে না এইথিপাইঁ কইলি যে তোম মোবাইলরে ধরন্তু দুইটা সিম অছি আমি গোটে সিম পকাইলে তাহলে কোণ হব আম পাখে দুইটা আলগা আলগা নম্বর আসিব বর্তমান মোর দুই দিন ইউজ কলি বিএসএনএল সে বিএসএনএল সিমটাকে বাহার করেদেলি গোটে ভোডাফোন সিম পকাইদেলি তাহলে মু আর গোটে নম্বর পাইযিবি কিন্তু মু যেতে চেষ্টা কলে বি সেই দুইটা আইএমইআই নম্বরকে কেবে হলে চেঞ্জ করি পারিবি নাহি তেমন এই কন্টেক্সটে মু কাহিঁকি কথা কইলি এইটিকে টিকে পাঠকু এবে আসিবা যে প্রত্যেক এনআইসিরে যে দুইটা এড্রেস আছে গোটা হল আইপি এড্রেস গোটা হল ম্যাক এড্রেস আইপি এড্রেস ইজ কল্ড লজিক্যাল এড্রেস
IP address is called as logical address, and MAC address is called as physical address. MAC address is called as physical address. जेमती हम कहूतली मोबाइल नंबर हमें बारंबार चेंज करी परिबा, but we cannot change the physical address, the physical number that is IMEI number. उसरा को चेंज करी परिबी नहीं, because that is fixed, that is inbuilt with the device. The device से तो सरा inbuilt है क्यों ची? सरा motherboard और slot सही तो add है क्यों ची? तब कोई में चेंज करी परिबा नहीं. तो मने रखिबा जे IMEI number, it is called International Mobile Equipment Identity. It is a number which is provided by authority to each and every mobile. प्रत्येक मोबाइल को प्रोवाइड करा होती तो सही बोले हम कंप्यूटर नेटवर्क जो एनआईसी अछि से एनआईसी रे दुईटा एड्रेस अछि आईपी एड्रेस मैक एड्रेस आईपी एड्रेस इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस एंड मैक एड्रेस इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस कहिबार अर्थ होचे या जे वी कैन चेंज द आईपी एड्रेसेस हमें गोटे कंप्यूटर आईपी एड्रेस चाहिले हमें चेंज करि परिबा एंड इट कैन बी चेंज्ड बाय द यूजर यूजर कैन चेंज इट फ्रीक्वेंटली यूजर ताको फ्रीक्वेंटली चेंज करि परिबो बट द फिजिकल एड्रेस द मैक एड्रेस cannot be changed. It चेंज करी हबो नहीं because that is fixed. That is comes with the device. The device तो सिर्फ आती ची. And IP address. आउट जिन समान रखी हो. IP address. It चु चेंज करी हबो. लेकिन दो चीज़ है. It को चेंज करी हबो. But it cannot be changed. Not changed. अल not changed बोली लेख दो. Not changed बोली लेख दो. तो मन रखी हो. Every NIC holds two types of address. One is called logical address. Another is called physical address. And the first, the logical address is called IP address. The MAC address is called physical address. And the IP address can be changed by the user. But the MAC address cannot be changed by the user. It is because it is given by manufacturer. It is given by manufacturer. What do you mean by manufacturer? Now who designs, who manufacture the device. The device could be manufactured karchi. डिवाइस को जे तैयारी करची ताको हम कोन कहबा मैन्युफैक्चरर बोली कहबा एंड तमे कह सर कोन गोटे कंपनी अछि कि ना देयर आर मेनी नंबर्स ऑफ कंपनी लाइक इंटेल लाइक गीगाबाइट लाइक अदर कंपनीज आर देयर दे आर प्रोड्यूसिंग एनआईसी तमे एनआईसी तैयार करछन एड्रेस दउछन तण केबे तमे कह सर ताल तो समान हे जिवा कथा हां आउ कथा आईपी एड्रेस मे बी सेम इन डिफरेंट नेटवर्क्स बट मैक एड्रेस कैन नॉट बी सेम थ्रूआउट दि वर्ल्ड पृथ्वी सारा जिते कंप्यूटर अच्छी कौन से कंप्यूटर कौन से मैक एड्रेस के बेले चेंज के समान हो पार ना ये दृष्टिकोण समान हो पार जब समान हो जाए डाटा कम्युनिकेशन रे बहुत गुड़े असुविधा हम आम जब डाटा पठेगा आमेरिका दैट डाटा कैन मे भी डेलीवर्ड एट स्पेन हूँ तो स्पेन रे डेलीवर हो जाए तुम्हें तुम सांग पठेज हूँ तो तुम शत्रु पाखे डेलीवर हो जाए तो दिज आर द बेसिक प्रॉब्लम सो इन कंप्यूटर नेटवर्क two addresses every computer holds two addresses one is called ip address another is called mac address ip address is logical in nature and mac address is physical in nature ip address is changeable but mac address is not changeable it is given by the manufacturer and it cannot be changed okay thank you ei class re ame etiki padhile next class re ame functions of nic bishay re padhiba to pila mane तुमने यू भल भाव में पढ़ आज जदि किसी डाउट अच्छी मो नंबर तो तुम पाखे अच्छी आउ थे मुझे लिखीदे 9438533005 यही नंबर में मतलब कंटाक्ट कर 7:30 PM टू 9:30 PM यही टाइम मतलब कंटाक्ट कर जहाँ डाउट अच्छी आज तुम समस्त जाच आम प्रत्येक दिन 4:30 गोटे ऑनलाइन क्लास करुच्छू जूम साहय सब पिला कनेक्ट हो पार ना जी कनेक्ट न हो तथापि तुम्हें भावन से पाठगुड़ी मुझे ये सबूक पढ़ेबी सर गोटे एक्स्ट्रा क्लास जदि जो मैंने कनेक्ट होगा चाहूँ मोर तुमको ह्वाट्सअप्रे सेयार करें से कनेक्ट हो आम 4:30 रु 5:30 प्रत्येक दिन आम टे पढ़ा थैंक यू ऑल स्टे होम स्टे सेफ।